अनुसूचित जाति एवं जनजाति की क्रीमी लेयर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था उसके विरोध में देश के तमाम राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था। 21 अगस्त को भारत बंद की का फैसला लिया गया था। आज हम मौजूद है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे पीछे वो बाजार की उन दुकानों को दिखाएं जो तमाम दुकानें हैं जो खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ अंबेडकर पार्क है और अंबेडकर पार्क के सामने की तरफ जो दुकानें हैं वो दुकानें भी खुली हुई हैं। इसके साथ ही इस तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम दुकानें, चाहे साइकिल की दुकान हो, जूते की दुकान हो, या जो जो भी आप जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आप देखेंगे कि दुकानें तमाम खुली हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भारत बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बात करें उधम सिंह नगर जिले के विभिन्न विधानसभाओं की या विभिन्न विभिन्न मार्केटों की तो सभी जगह पर इसी तरह का नजारा आपको देखने को मिल सकता है। बात करें अगर उधम सिंह नगर जिले की तो उधम सिंह नगर जिले में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। उधम सिंह नगर जिले में स्कूल, यातायात से लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू है, वहां पे भारत बंद का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो बाजार की अगर बात करें तो बाजार में भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ कि तमाम जो दुकानें हैं जिले की दुकानें इसी तरीके से खुली हुई हैं। और आज 21 अगस्त है, 21 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान किया गया था वो उधम सिंह नगर जिले में बड़ा असर दिखाई दे रहा है। कुछ जगह पर यह बात जरूर सामने आई कि कुछ लोगों ने अलग अलग जगह पे सांकेतिक धरना कर अपना विरोध दर्ज कराया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।